टाइम इन्वर्जन, रिवर्स एंट्रोपी और टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट के बाद टर्नस्टाइल मशीन टेनेट की स्टोरी का सबसे बड़ा पार्ट है। मूवी की बाकी स्टोरी इतनी कंफ्यूजिंग है कि लोग इसके बीच टर्नस्टाइल मशीन को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। हाँ हाँ, टर्नस्टाइल मशीन मतलब एंट्रोपी रिवर्स करने वाली मशीन। बस नहीं नहीं नहीं, बस नहीं, ये भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट। प्रिया ने प्रोटैगनिस्ट को बताया था कि एंट्रोपी रिवर्स करने वाली टेक्नोलॉजी फ्यूचर में डिस्कवर होगी। तो एंट्रोपी रिवर्स करने वाली टर्नस्टाइल मशीन सेटर के पास पास्ट में कहां से आई? सिंपल, बाकी इंस्ट्रक्शंस की तरह ही फ्यूचर वालों ने टर्नस्टाइल मशीन की एंट्रोपी रिवर्स करके उसे सेटर के पास पास्ट में भेज दिया। याद है ना, इन्हें सिर्फ रिवर्स बुलेट्स ही नहीं मिले थे बल्कि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स भी मिले थे। सेटर को बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उन पार्ट्स को जोड़ना होगा एंड बैम, टर्नस्टाइल मशीन इज रेडी। प्रिया के पास भी टर्नस्टाइल मशीन बिल्कुल ऐसे ही आई थी, क्योंकि टेनेट वाज नॉट फाउंडेड इन द पास्ट, इट विल बी फाउंडेड इन द फ्यूचर। अब टर्नस्टाइल मशीन काम कैसे करती है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल मूवी में भी नहीं दिखाया। हमें बस इतना पता है कि ये मशीन इन्वर्स रेडिएशन की मदद से ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमंस की एंट्रोपी इन्वर्ट करती है। स्टार्टिंग वाले सीन में बुलेट को हाथ लगाने से पहले रिसर्चर ने ग्रीन रेडिएशन प्रूफ ग्लव पहना था, मतलब इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर रेडिएशन का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर होता है तो ऑब्वियसली ह्यूमंस पर भी होता होगा, बट दुनिया को बचाने की खातिर हमारे हीरोज रेडिएशन पॉइजन का जोखिम उठा लेते हैं। आई नो बहुत सारे फैन थेरीज ये भी बता रहे थे कि शायद यही वो साइंटिस्ट है जो आगे जाकर एल्गोरिदम और रिवर्स एंट्रोपी की खोज करेगी, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि प्रिया के हिसाब से वो साइंटिस्ट फ्यूचर में जनरेशंस अहेड थी। बट कितने जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन? अगेन इस मूवी में टाइम को ठीक से दिखाया नहीं गया। इवन 14th वाला 14 भी कौन से महीने का 14th है वो नहीं पता, मे या फिर जून 2019, मे बी। टर्नस्टाइल मशीन के दो साइड होते हैं, रेड साइड एंड ब्लू साइड। रेड साइड में एंट्रोपी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है तो ब्लू साइड आने पर एंट्रोपी रिवर्स हो जाती है, बट इसके लिए आपको इन स्पेशल टर्नस्टाइल रोटर्स के थ्रू आना होगा। ऐसे ही किधर से भी बैक डोर एंट्री नहीं ले सकते, और यही काम आता है मशीन का तीसरा पार्ट, प्रूविंग विंडो, दोनों साइड्स के बीच का ग्लास डिवाइडर। अपनी एंट्रोपी रिवर्स करके एक साइड से दूसरी साइड जाते वक्त पहले प्रूविंग विंडो को देखकर कंफर्म करना होगा। अगर अपोजिट साइड में अपना रिवर्स वर्जन दिखा तब ही टर्नस्टाइल के अंदर जाना, वरना नहीं। आई थिंक ये रूल इस बात को कंफर्म करने के लिए है कि भाई टर्नस्टाइल मशीन काम कर रही है, तुम इसके अंदर जाने के बाद अटकोगे नहीं। सबके लिए इन्वर्जन का कंसेप्ट काफी नया है तो कोई बड़ा रिस्क लेने से पहले प्रूविंग विंडो में देखकर अपना आउटपुट कंफर्म कर लो। अगर तुम्हें प्रूविंग विंडो के उस पार अपना रिवर्स वर्जन नहीं दिखा तो गलती से भी इसके अंदर मत घुसना। फर्स्ट टाइम हमने प्रूविंग विंडो और टर्नस्टाइल मशीन को काम करते हुए ऑस्लो फ्रीपोर्ट वाले सीन में देखा था। प्रोटैगनिस्ट और नील नॉर्मल दरवाजे यूज करके टर्नस्टाइल रूम में जाते हैं। नील रेड साइड में जाता है और प्रोटैगनिस्ट ब्लू साइड में। अंदर घुसते ही नील और प्रोटैगनिस्ट प्रूविंग विंडो पर बने इन्वर्टेड बुलेट होल्स को देखते हैं कि तभी अचानक टर्नस्टाइल मशीन घूमने लगती है और उसके अंदर से फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट के दो वर्जन निकलते हैं। नील के साइड वाला वर्जन टाइम में फॉरवर्ड जा रहा है तो प्रोटैगनिस्ट के साइड वाला वर्जन टाइम में रिवर्स। इस सीन को अगर प्रोटैगनिस्ट और नील की नजर से देखा जाए तो पहले वो रूम बिल्कुल खाली था और फिर टर्नस्टाइल मशीन के अंदर से दो लोग भागते हुए आए, बट अगर हम इस सीन को ब्लैक सूट पहने फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट की नजर से देखें तो वो रिवर्स में भागते हुए आकर प्रोटैगनिस्ट से लड़ा, टर्नस्टाइल मशीन के अंदर घुस गया और अपनी एंट्रोपी रिवर्स करके नील के साइड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग गया। फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट की नजर से ये सीन लीनियरली चला, वो आया मशीन में घुसा और एंट्रोपी चेंज करके भाग गया, बट मशीन के बाहर खड़े नील और पास प्रोटैगनिस्ट को ऐसा लगा कि पहले रूम में कोई नहीं था और अचानक से उसमें से दो लोग निकल कर आए। आई नो ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसे एक बार फिर देखते हैं। पहले नील और पास प्रोटैगनिस्ट की नजर से रूम में कोई नहीं है, अचानक से टर्नस्टाइल मशीन घूमी और अंदर से दो लोग निकलकर भागे। अब इसी सीन को फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट की नजर से देखते हैं। प्लेन क्रैश का डायवर्जन यूज करके फ्यूचर नील और फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट फ्री पोर्ट के अंदर घुस गए। इंजन के प्रेशर की वजह से फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट दरवाजा तोड़कर अंदर चला गया, जहां उसकी मुलाकात पास्ट प्रोटैगनिस्ट से हुई। फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट अपने पास्ट वर्जन से रिवर्स डायरेक्शन में लड़ा। लड़ाई के वक्त उसने अपने फॉरवर्ड वर्जन को प्रूविंग विंडो के उस पार देखा, मतलब दूसरी साइड। बेसिकली उसने अपना आउटपुट कन्फर्म या फिर प्रूव कर लिया। कन्फर्मेशन मिलने के बाद फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट अपनी एंट्रोपी चेंज करके नील के साइड गया। लड़ाई के वक्त नील ने उसका चेहरा देख लिया और उसे जाने दे दिया। इन शॉर्ट प्रोटैगनिस्ट के लिए सारा सीन लीनियरली प्ले हुआ। जो लोग टर्नस्टाइल मशीन यूज करते हैं उन्हें अपने एक्शन लीनियरली दिखते हैं और जो लोग मशीन के बाहर खड़े होते हैं उन्हें सब अजीब सा दिखता है। इसीलिए जब आयुष के आने के बाद सेटर और उसका ड्राइवर टर्नस्टाइल मशीन में बैठकर भाग गए तब सेटर को यह सीन लीनियरली दिखा। उसके लिए वो बस एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में आया। वहीं प्रोटैगनिस्ट नील और आइस के आदमी को ऐसा लगा कि सेटो मशीन में बैठकर गायब हो गया। कहा था ना टर्नस्टाइल मशीन का वर्किंग इतना भी सिंपल नहीं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर अब भी कुछ डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।